Assalamu alaikum wa rahmatullahi Dear students I am Shivgad Ahmad Khan teaching you general english in class 10th at BHS Dear students my today's topic is an another poem which is an evening wet with rain Dear students this poem has actually been written in dogri language by Ved Deep he had been uh, awarded by j &K Academy of Art, Culture and Language for his great contribution to Dogri literature. But uh, this poem, um, this English translation, it has uh, this poem has actually been translated into English by uh, Shunath, and uh, this poem, which is in your uh, text, so it is actually. ए ट्रांसलेट वर्जन ऑफ देट वेरी पर्टिकुलर डोगी पॉय दूडेंटस दिस पॉयम टाकस अबाउट रैनी इवनिंग या मैं कहूँ कि जो शायर इसमें शायर इसमें एक उस बारिश वाली शाम के बारे में बात करते हैं देर वॉज साइलेंस एवरीवायर एंड टू एक्सप्रेस द इफेक्ट ऑफ साइलेंस ही पोट्री इज़ द इमेज़ज़ ऑफ फ्यू थिंग्स यानी कि वो इस साइलेंस uh, का असर दिखाने के लिए वो कुछ चीज़ों की कुछ चीज़ों की या कुछ, कुछ शक्लें आप लोगों के सामने रखने की कोशिश करता है जिससे आप लोगों को ये समझ में आए या जिससे पढ़ने वाले की समझ में ये चीज़ आ जाए कि उस वक्त की उस साइलेंस का कैसा असर था वो कैसी किस अंदाज़ की साइलेंस थी किस uh, तरह की खामोशी थी हेट द पॉइट सीम्स डिप्रेस और दूसरी बात यहाँ पे ये यह थी कि जो ये पॉइट है वो डिप्रेसड uh, भी लग रही थी बिकॉज ही कंपेयर एक्चुअली हिज ओल्ड एज विद दैट डार्क एंड साइलेंट इवनिंग वो अपने उस जो उसकी जो वो बड़ा वो बुढ़ापा जो उसका था उसको वो इस डार्क इवनिंग के साथ कंपेयर कर रहे हैं ही फील्स ही हैड लॉस्ट द होप डिनो वाई you know वो समझ वो सोच रहे हैं कि um, उसके पास कोई उम्मीद अब बाकी नहीं है बिकाज इन ओल्ड एज पीपुल यूजली आर इंट इंट्रस्ट इन प्लानिंग फार फ्यूचर बिकॉज दे काट इमेज इन आ फ्यूचर सो दिल लाइफ वेर इज़ नो फ्यूचर फ्यूचर प्लान सीम इज बोरिंग दैट इज़ बाई डर स्टूडेंट्स हियर इन दिस पॉइम द पॉइट रिगरेट्स दोज डेज आफ इज़ पास्ट बिच कु ब्रॉड बैक यानी वो इसमें अब पछता रहे हैं या उन उन दिनों को जब वो जवान थे या जब वो बचपन में थे जो भी जो वक्त अभी उसके पास नहीं था वो चला गया था उसके बारे में सोच कर पछता रहे कि कितने अच्छे थे वो दिन या एक्टिव लाइफ थी उसमें हर तरफ खुशियाँ ही खुशियाँ थी प्लानिंग हुआ करती पिजी लाइफ थी आज जो ये बूढ़े हो चुके हैं आज ये सोच रहे हैं कि आ, उन दिनों के बारे में सोच कर परेशान हो रहे हैं कि वो दिन चले गए हैं वो कितने खूबसूरत दिन थे जो अब वो दिन उन दिनों को हम वापस नहीं ला सकते डर स्टूडेंट्स लेट्स रीड दिस पॉय आपकी जो टेक्स्ट बुक पे पॉय है आप अपने सामने टेक्स्ट रख सकते हैं उसमें डे स्टूडेंट्स पहली बात, एन इवनिंग वेट विद रैन एज आई वॉक थ्रू द लैंड शायर इसमें बात कर रहे हैं उस इवनिंग की कि वो जो वो इवनिंग थी विच वॉज वेट विद रैन एज अ वॉक थ्रू द लैन कि जब मैं चल रहा था या एज ए जब मैं uh, जब मैं उस इवनिंग के बारे में बात करें यानी जब वो चल रहे थे थ्रू द लैन एक uh, उस गली से मीन्स एन एरो पैसेज बिटवीन फेंसेज जब फेंसिस के दरमियान दो साइड में फेंसेज होते हैं उसके उनके बीच में जो रास्ता होता है जो पस पैसेज होता है नैरो होता है वह तंग गली जो जिसको हम कहते हैं उसी से होके गुजर रहे हैं नहीं सहीज द हार्ट पैकनज देंड्स टू होल्ड दम विद लॉ द माइंड ऑल्सो नोज सटल सिग्नल ऑफ द ब्रीज शुड स्टैंड ऑन द ग्राउंड आर वॉक टू विद द विंड यहाँ पे शायर कह रहे हैं एक्चुअली शायर के साथ उसका एक कंपेनियन होता है यानी उसका एक साथी उसके साथ होता है चूंकि उसका जो दिल है इट बैकन्स बैकन्स मीन्स इशारा करना यानी टू नो वर वेव टू समबड़ी विद एन इंटेंशन टू मेक दैट पर्सन कम क्लोजर जब हम किसी को ऐसा इशारा करें किसी इस तरह का इशारा करें कि हम चाहते हों कि उसको ये इशारा करें कि आप मेरे नज़दीक आए इसका दिल यहाँ पे, यहाँ इसका दिल चाहता है कि जो इसका जो कंपेनियन है वो इसके जो हाथ हैं इसके जो बाजू हैं उनको प्यार से थामे द माइंड आल्सो नर्स सटल सिग्नल्स ऑफ़ ब्रीज और चूँकि इसका जो दिमाग है वो भी अभी कमज़ोर वीक फील आ, उसका जो दिमाग है वो वीक हो चुका है वीक हो चुका है मतलब कि वो समझ रहे हैं कि अभी सटल यानी वो सिगन वो आ, ब्रीज ब्रीज बोलते हैं उस ठंडी हल्की हवा को कि जी हल्की हवा चल रही है शक्ल एक्चुअली मीन्स हाउ सम दैट इज़ हार्ड टू ग्रासप बट यहाँ पे अगर हम यहाँ पर यह समझे कि वो समझ रहे थे कि हल्की बी ब्रीज चल रही है लेकिन ही इज़ अनएबल टू डिसाइड शुड आई स्टैंड ऑन द ग्राउंड क्या मैं मुझे यहाँ पर रुकना चाहे और वाफ्ट विद दिन या मुझे इस जो ये ब्रीज चल रही है यहाँ पर विंड वर्ड इन्होंने इस इस्तेमाल किया लेकिन ब्रिज की ही बात चल रही है या मुझे इसके साथ हिचकोले इन हिचकोले खाती हुई चलना चाहिए मतलब भी इज़ अनएबल टू डिसाइड व्हाट टू डू अब डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे शायर क्या कर रहे हैं वो कुछ तस्वीरें आप लोगों के सामने पेश कर रहे हैं यानी कुछ इमेज़ जिसके जिस, जिस जिनसे यानी ऐसे वर्ड्स इनको इमेजरी बोलते हैं ऐसे वर्ड्स इस्तेमाल कर रहे हैं जिनसे आपके जहन में वो पिक्चर आ जाएगी जब बारिश होती है तो किस तरह का माहौल होता है यानी किस तरह की हालत होती है वो कह रहे हैं आप लोगों ने देखा होगा जब बारिश होती है तो क्या होता है ये कह रहे हैं यहाँ पे विंडोज डोर्स आर्निंग्स ऑफ द हाउस आ वेट जो ये विंडोज़ हैं खिड़कियाँ हैं दरवाजे हैं आर्निंग्स आर्निंग बोलते हैं उसको एक्सटेंडेड रूफ या सनशेड जो होती है अब द हाउस आर वेट वो भी वो भी गीली है कूल ब्रीज सिटर द लीव्स ऑफ द ट्री जो ये कूल ब्रीज है हल्की हवा चल रही है वो इस दूर से जिसको एक बरगद का पेड़ दिखाई दे रहा है बनियान बोल बनियान ट्री होता है बरगद का पेड़ ए, इसके लीव्स को जो इसके जो पत्ते हैं उनको ये हवा हिला रही है द कॉलर ऑफ माई कोट इज़ आल्सो वेट विद ड्रॉप्स ऑफ रैन जो मेरे ये कोट का कॉलर है वो भी गीला हो चुका है ऑल अराउंड साइलेंस हर तरफ खामोशी ही खामोशी थी माई फीट आर कोल्ड दूसरी बात यह भी है इस इस रेन की वजह से माई फीट आर कोल्ड विद वाटर सीपिंग थ्रो माई शूज़ माई फीट आर कोल्ड विद वाटर सीपिंग थ्रो माई शूज़ जो मेरे पैर हैं वो भी ठंडे हो चुके हैं क्योंकि इन में वो कोल्ड हो चुके हैं क्योंकि इनमें जो ये बारिश का पानी वो इनमें घुसता है या घुसा घुस गुछ गया है या इन मेरे जूते भी गीले हो चुके हैं माई आर हैवी विद स्लीप और इज फेवर जो मेरे जो मेरी जो आँखें वो भी थकी हुई महसूस कर रही है वो जैसे बारी हो चुकी है शायद नींद की वजह से और इस फेवर या फेवर की वजह से द ग्राउंड इज वेरी स्लिपरी देर इज़ नो प्लेस टू स्टैंड शायर कह रहे हैं कि मैं अब थक गया हूँ आप अगली लाइन में समझ सकते हैं। द माइंड इज एग्जॉस्टेड लुक्स फॉर सम स्पॉट टू रेस्ट इन दोनों लाइन्स को अगर एक साथ पढ़ेंगे समझ में आ सकती हैं द ग्राउंड इज़ वेरी स्लिपरी दर इज़ नो प्लेस टू स्टैंड द माइंड इज एग्जॉस्टेड लुक्स फॉर सम स्पॉट टू रेस्ट इसका जो दिमाग है यानी शायर भी थकान महसूस कर रहे हैं एग्जॉस्टेड um, फील कर रहे हैं जब सारी एनर्जी चली गई हो ऐसा महसूस कर रहे हैं अब ये चीज अब ये चाहते कि कहीं पे रेस्ट कर दे। शायर चाहते हैं कि मैं कहीं पे रेस्ट करता बट द प्रॉब्लम इज़ कि द ग्राउंड इज़ वेरी स्लिपरी जो ये ग्राउंड है वो भी वो वो भी गीला है इट इज़ स्लिपरी और ये स्लिपरी भी यहाँ पे फिसलन बढ़ गई है दर इज़ नो प्लेस टू स्टैंड कोई ऐसी जगह ना बारिश में इंसान रुक पाता है ना कहीं जा पाता है मतलब अगर वो चलने की कोशिश करे तो बारिश चलने नहीं देती अगर वो रुकता तो कहीं पर बैठ भी नहीं सकता क्योंकि हर हर कोई जगह गीली हो चुकी है अब इसका दिमाग एग्जॉस्ट हो चुका है कि लुक फार सम स्पॉट रेस्ट इसका दिमाग चाहता है कि मैं कहीं पर रुक रुकूँ और रेस्ट करूँ पर माहौल यह है कि इसको जिस माहौल की बात करें माहौल ये है कि कहीं पर रुक भी नहीं सकते हैं देयर स्टूडेंट्स टू कीप दिस वीडियो शार्ट मैं आपको इसका दूसरा हिस्सा दूसरे लेक्चर में इंशाल्लाह पढ़ाऊँगा तब तक के लिए स्टे होम स्टे सेफ थैंक यू